गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जिले में आ रही हैं महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह सहित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को देवरिया के लिए करेंगे प्रस्थान। उत्तराखंड के त्रासदी में जनपद के 5 लोगों के लापता होने की सूचना। 3 पीड़ित परिवारों ने डीएम से मिलकर लगाई गुहार, जबकि 2 परिवारों ने आपदा पोर्टल पर दी जानकारी। डीएम ने कहा उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है जिला प्रशासन, जल्द उपलब्ध हो सकेगी जानकारी। चार शातिर लुटेरों को 3 अदद मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन, 1 अवैध तमंचा और 1150 नगद रुपए के साथ खजनी थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा, दी जानकारी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से तथा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खोलने का विभाग ने किया ऐलान। जिलाधिकारी ने कहा स्कूलों एवं छात्रों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा राजघाट थाना क्षेत्र के अमूर्तानी में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद। 20,000 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। जेसीबी लगाकर 20 भच्चियों को किया गया जमींदोज। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान विभाग चिड़ियाघर के कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा 10 फरवरी से चिड़ियाघर में जानवरों का आना हो जाएगा शुरू, तैयारियां हैं पूरी। 15 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सप्रो का एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा हैंडलूम प्रदर्शनी में मिलेगा स्वदेशी वस्तुओं को बाजार और बुनकर भी बन सकेंगे आत्मनिर्भर। गोरखपुर में सोमवार को मिले मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,430। अब तक 307 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 79 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का महानगर स्थित गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में आयोजन हुआ संपन्न। एसपी ट्रैफिक ने छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में दी जानकारी। और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी एवं जिला शांति सद्भावना समिति के संयुक्त तत्वावधान में मकर संक्रांति खिचड़ी मेला को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराए जाने पर एसपी सिटी सोनम कुमार को अंगवस्त्र और बुके देकर किया सम्मानित, दी बधाई।